आज हम सबके घरों में बेबरकती क्यों है और इतना कमाने के बाद भी हम लोग परेशान हैं, इसकी वजह क्या है जानते हैं, सुनिए इस वीडियो। सारी दुनिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं और खुसूसन मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। الذي حصل اليوم في العالم الاسلامي حصل بلاء لان الناس ابتعدت عن الله عز وجل। पहली बात तो यही है कि इंसान जब अपने रब से दूर हो गया तो जमाने की ये सारी मुसीबतें उसका मुकद्दर बन गई। مسألة مهمة جدا. اولا نحن لا نقرا في كل ليله सूरत अल-वाकिया। हर एक फिक्र माश के लिए दौड़ रहा है, वजह ये रात में सूरह वाकिया पढ़ना छोड़ दी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशरना अन मन यक्रा सूरत अल-वाकिया कुल लैला ला युसीबुहु फाका औ फक्र। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अजीम है कि जिसने रोज रात को सूरह वाकिया पढ़ने की आदत बना ली, अल्लाह उस पर कभी भी फकर को और फाके को उसे मुब्तला नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। तो हमें भी चाहिए कि हम हर रोज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई सूरत यानी सूरह वाकिया इसकी रात में तिलावत करें। हमारे आका ने फरमाया जो सूरह वाकिया की तिलावत करता है तो परवरदिगार आलम उसे तंग दस्ती से महफूज रखता है।